ओके, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। और अपनी साइंस की क्लास में हम क्लास एक्चुअल में ये आपका 10th क्लास का चल रहा है, यहाँ पे चैप्टर 6 चल रहा है, लेकिन हम क्योंकि 9th क्लास में भी इसी को पढ़ रहे हैं, तो हमने ये क्लास 9th का है आपका। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 101 पे। ठीक है बच्चों, अगर आपको वैसे फाइंड करना हो तो पेज 101 पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका नाम है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, जो आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम होते हैं, जैसे आपका एमाइलेज है, लाइपेज है, पेप्सिन है और ट्रिप्सिन है। तो बच्चे ये सारे के सारे जो आपके एंजाइम होते हैं, जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड होता है, क्या था फूड होता है आपका कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल जाएगा आपके उसमें, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसका मतलब क्या है कि ये जो आपके आपके बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ये लिक्विड होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स फूड को, जो आप खाना खा रहे हो, आपने सब्जी रोटी खाई तो सब्जी रोटी में जो आपका जो भी फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है वो सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो सारे सारे जो एंजाइम होते हैं ये उनको तोड़ के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद सिंपल फॉर्म से डायरेक्टली फिर ये डाइजेस्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है क्या बोला मैंने यहाँ पे, कि सारे सारे जो आपके एंजाइम्स हैं इनका काम क्या होता है कि आपके कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करना सिंपल फूड में, और सिंपल फूड से वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने यहाँ पे कि ये जो आपके जो सारे सारे जो आपके केमिकल्स हैं, जो एंजाइम जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं, इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, सारे सारे खाने को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का, वो कॉम्प्लेक्स फूड है उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का, और सिंपल फूड से आपका क्या जाएगा, वो खाने में आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बस हमारे यहाँ पे चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बनी होती है, इंटेस्टाइन क्या करती है, डिजाइन टू एब्जॉर्ब, डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड। ठीक है बच्चों, तो किस तरीके से आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो आपकी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की देखो इसकी जो डेफिनेशन, इसकी जो लैंग्वेज है वो ऑलरेडी आपके पास पहुंची जाएगी, इसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वो कुछ इस तरीके से बनी होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत लंबी होती है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ऐसे होती है, और इसके अंदर हजारों और लाखों की अमाउंट में इस तरीके से प्रोजेक्शंस होते हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं विली, क्या बोलते हैं बच्चों इनको हम यहाँ पे, ये हजारों लाखों के अमाउंट में विली होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है कि ये जो विली होते हैं ये होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, क्या बोलते हैं इनको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और इनका काम क्या होता है, इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इसका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने का इनका काम होता है। अभी सरफेस एरिया को बढ़ाते कैसे हैं, देखो जब सीधी सी बात है, यहाँ पे खाना आएगा आपका, खाना ये आ रहा है इस तरीके से होता हो जाएगा, अब इस तरीके से होने की बात क्या है कि ये ज्यादा कॉन्टेक्ट में आएगा, इस इन विली के कॉन्टेक्ट में ज्यादा टाइम तक आएगा, जो ज्यादा टाइम तक आएगा तो इनके साथ में हमारी कुछ ब्लड की वैसे जुड़ी हुई है, इनके साथ हमारी कुछ नलियां जुड़ी हुई है जो हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जाती है, एक्चुअली जो ब्लड तक जाती है, जो कहां जाती है ब्लड तक, ब्लड वेसल्स होती है जिनसे जुड़ी हुई होती है, तो जो जो भी आपके खाने के अंदर न्यूट्रिएंट है उन खाने के न्यूट्रिएंट को यहां से निकाल के वो आपकी ब्लड की स्ट्रीम डाल देगा, किसमें डाल देगा, ब्लड की स्ट्रीम में, और आपका खाना आसानी से आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंच जाएगा, खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है वो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट तक बच्चों पहुंच जाएंगे। एक बार फिर समझ लो इस क्वेश्चन का आंसर, मैंने क्या बताया कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर हजारों लाखों की मात्रा में ये विली होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये प्रोजेक्शंस करते क्या है एक्चुअल में, ये आपके खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, खाने के अंदर के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके आपकी ब्लड की स्ट्रीम में मिला देते हैं, और ब्लड की स्ट्रीम में मिलने के बाद में वो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा इसका ये एक्सप्लेनेशन था, मैंने आपको कोशिश किया अच्छे से इसी लैंग्वेज समझाने की भी,
और ये कुछ ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि इनका फंक्शन क्या होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम इनका होता है। सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जब ये एक्चुअल कॉन्टेक्ट में आते हैं खाने के, तो खाने के अंदर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का टाइम इनको ज्यादा मिल जाता है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही वो लंबे समय तक खाने के कॉन्टेक्ट में रहेंगे, खाने के अंदर से वो न्यूट्रिएंट को उतना ही आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इसमें आ गया होगा, समझ में आ गया हो। तो फिलहाल इस वीडियो में हम फिलहाल ये दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के साथ में। ठीक है बच्चों, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज गिव मी फीडबैक। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय फॉर नाउ।